किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं ना, और अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी जोड़ियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों बात करते हैं एक कहानी की जो हमें बताती है कि कितनी बार जिंदगी में हम अपनी खूबियां तलाशना छोड़कर सिर्फ कमियां देखते हैं, और जो व्यक्ति अपने अंदर के खजाने की तलाश नहीं करता वो उसको बाहर कभी भी नहीं मिलती है। अमेरिका में कोलोराडो में जब पहली बार सोने की खदानें मिली तो सारी दुनिया कोलोराडो की ही तरफ भागने लगी, सारा अमेरिका कोलोराडो की तरफ भागने लगा। सोना जगह जगह था, खेतों में पड़ा था, जहाँ खोदो वहीं से सोना मिल रहा था, जो गया वही धनपति हो गया। तो एक आदमी के पास काफी संपत्ति थी उस जमाने में, आप समझ सकते हैं कोई 1 करोड़ रुपए था, और उसने सब संपत्ति बेचकर सोचा कि छोटा मोटा काम क्या करते हैं, सब संपत्ति बेचकर एक पूरा पहाड़ ही खरीद लिया, इसी आशा में कि अब तो बस धन ही धन हो जाएगा, जहां खोदूंगा वहीं से सोना निकलेगा। लेकिन इसे ही संयोग कहते हैं कि पहाड़ बिल्कुल सोने से खाली था, बड़ी खुदाई की, यहाँ खोदा वहां खोदा, थकने लगा, घबराने लगा, एक टुकड़ा भी उस पहाड़ से उसे सोने का नहीं मिला। फिर किसी ने कहा कि खुदाई थोड़ी गहरी होनी चाहिए, सोना है तो खोज करने वालों लोगों ने कहा कि लेकिन गहरे में है, पहाड़ में नीचे दबा है। तो उसने बड़े यंत्र और जो कुछ भी पास था, घर मकान कहना जेवरात सब बेच दिए, बड़े बड़े यंत्र खरीद लाया, पहाड़ पर बड़ी बड़ी गहरी खुदाई की, लेकिन आखिर के थक कर बैठ गया, सोना ना मिला, सोना मिला। उसने अखबारों में विज्ञापन दिया कि मैं पूरा पहाड़ खोदने के सारे यंत्रों के साथ बेचना चाहता हूँ। उसके मित्रों ने कहा कि तुमने खुद ही इतनी खुदाई कर ली है, कोई इसे क्यों खरीदेगा, अब तुम बेकार का विज्ञापन दे रहे हो और इसमें भी बेकार के पैसे ही लगा रहे हो, तुम्हारी खबर तो सारे अमेरिका में पहुंच गई है, सबको पता चल गया है कि तुम्हें पहाड़ पर कुछ भी नहीं मिला, सब तुमने गवा दिया, अब इसके पीछे अब कौन दूसरा होगा जो फिर तुम्हारे जैसा ही पागल बनेगा और अपना सब कुछ गवा देगा। उसने कहा कि मैं ही कोई इस दुनिया में अकेला पागल नहीं हूं, इस मुल्क में बहुत सारे पागल हैं और उनमें कोई एक तो होगा जो मेरे पहाड़ को भी खरीद लेगा। निश्चित रूप से एक पागल निकल ही आया, एक आदमी, और उसने 1 करोड़ रुपए देकर वो पूरा पहाड़ खरीद लिया। अब उसके मित्रों ने कहना शुरू किया कि तुम महापागल हो। दोस्तों ने कहा वो आदमी तो बर्बाद हो गया, तुम देखते नहीं। उसने कहा जहां तक उसने खोदा है वहां तक सोना नहीं है, ये ठीक है, लेकिन खुदाई तो और भी आगे हो सकती है, एक कोशिश और कर ली जाए। और आप सब ये जानकर हैरान होंगे कि सिर्फ एक हाथ खुदाई करने पर दुनिया की सोने की सबसे बड़ी खदान वहीं मिली, सिर्फ एक हाथ और खुदाई करने की बात थी। बस यही बात हमारे जीवन में ध्यान और ध्यान के अलावा जीवन की हर चीज को पाने से संबंधित है। जब भी हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, खासकर ध्यान और किसी विशेष उपलब्धि को, कितनी बार हम प्रयास तो करते जाते हैं, लेकिन बिल्कुल जब हम उस किनारे पे होते हैं कि उस अगले प्रयास के बाद हमें वो चीज मिल जाएगी, हम वहीं से लौट आ जाते हैं। 99% लोग ऐसा करते हैं और इसीलिए इस दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही सफल होते हैं, और उनके पीछे उनकी सफलता का राज बस यही होता है कि वो अपनी खुदाई, अपना प्रयास बंद नहीं करते हैं। हो सकता है कि कभी दिशा गलत हो जाए, कभी दिशा ठीक भी हो सकती है। हो सकता है कि एक हाथ के फासले से हम जीवन में बहुत कुछ खो सकते हैं, इसलिए अपनी सारी ऊर्जा को उस चीज को प्राप्त करने में लगा दो। आप देखेंगे जीवन में आप कभी भी निराश नहीं होंगे, आपको निरंतर होते ही जाना है उस खजाने को पाने के लिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, खोदते ही जाओ, एक दिन खजाना मिलने ही वाला है, क्योंकि खजाना प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ही छिपाया।